नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगन से कार्य करके पंचायत चुनाव के तीनों चरण सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। नगरीय निकाय का प्रथम चरण भी अच्छे से संपन्न हो गया है। नगरीय निकाय के दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होगा। सभी अधिकारी पंचायत चुनाव की तरह सजगता से कार्य करके नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न कराएं। सेक्टर ऑफिसर आवंटित क्षेत्र का भ्रमण करके तत्काल रिपोर्ट दें। भ्रमण के दौरान बनाए गए मतदान केंद्रों के भवन की स्थिति, मतदान के लिए की जा रही व्यवस्थाओं तथा वर्षा होने पर मतदाताओं के सुरक्षित लाइन लगाने के संबंध में रिपोर्ट दें। सेक्टर के असामाजिक तत्वों तथा उन व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी दें जो मतदान में किसी भी रूप में बाधा डाल सकते हैं। लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करके असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा रही है। हर मतदान केंद्र में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सके। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता पर्ची वितरण के निर्देश दिए हैं। सभी बीएलओ को मतदाता पर्ची प्रदान कर दी गई है। आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा तहसीलदार मतदाता सूची का 100% वितरण सुनिश्चित करें। मतदान दिवस में भी मतदान केंद्र में मतदाता पर्ची देने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं। सेक्टर ऑफिसर भ्रमण के दौरान मतदाताओं से संवाद कर मतदाता सूची वितरण का सत्यापन करें। सभी मतदाताओं को 11 जुलाई तक हर हाल में मतदाता सूची का वितरण सुनिश्चित करें। आयुक्त नगर निगम तथा सीएमओ नगरीय निकायों में साफ सफाई, पेयजल तथा प्रकाश व्यवस्थाओं में विशेष ध्यान दें। मतदान केंद्रों के परिसरों तथा आसपास के क्षेत्रों में विशेष तौर पर साफ सफाई कराएं। मतदान दलों के ठहरने तथा भोजन की भी उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। प्रत्येक केंद्र में पर्याप्त बल तैनात होने के साथ साथ मोबाइल सुरक्षा टीमें लगातार क्षेत्र का भ्रमण करेंगी। सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों तथा आदतन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए सभी उपाय करें। मतदान को गैर कानूनी तरीके से प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करें। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने मतदान केंद्रों में की जा रही व्यवस्थाओं तथा मतदान पर्ची वितरण की जानकारी दी। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, SDM अनुराग तिवारी, SDM मनगवा AK सिंह, संयुक्त कलेक्टर AK झा, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।